फ्रेंड्स, आज के मॉडर्न सोसाइटी में हम हमेशा बिजी रहते हैं। इंटरनेट 24x7 अवेलेबल होता है, या फिर कह सकते हो कि इंटरटेनमेंट 24x7 अवेलेबल होता है। मोबाइल और ईमेल के कारण हम हमेशा काम करने को तैयार रहते हैं, और ये 24x7 इंटरटेनमेंट और हमेशा काम करने के लिए जो समय निकालते हैं, उसके लिए हम 7 से 8 घंटे की कीमती नींद को सेक्रीफाइस करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट नाइट टीवी देखकर या सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, बल्कि हमें पता नहीं है कि स्लीपिंग हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्लीप इज एसेंशियल, इट इज नॉट एन ऑप्शन। आपने ये महसूस किया होगा, जिस रात आप कम नींद लेते हो, अगले दिन आप काफी लूजी और वीकनेस फील करते होगे, जिसका मेन रीजन इंसोमेनिया, अनिद्रा है। एक हेल्दी पर्सन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद को आदर्श माना गया है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे कम नींद, जैसे 5 घंटे ही रोज सोते हो, तो हर रात आप 2 घंटे और वीक में 14 घंटे की नींद को सेक्रीफाइस करते हो, जिसका रिजल्ट पुअर कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी, स्लो रिएक्शन हो सकता है, और स्टूडेंट के लिए लो मोटिवेशन, पुअर स्कूल रिजल्ट परफॉर्मेंस, पुअर सब्जेक्ट स्कोर हो सकता है। स्लीप एक्सपर्ट के अनुसार इंसोमेनिया, अनिद्रा का मेन रीजन स्ट्रेस को माना गया है, और यह स्ट्रेस कई कारणों से हो सकता है, जैसे स्कूल या जॉब रिलेटेड प्रेशर, फैमिली या मैरिज प्रॉब्लम, कोई सीरियस बीमारी या फैमिली में किसी का डेथ कर जाना। आमतौर पर देखा गया कि स्ट्रेस खत्म होने पर लोगों की अनिद्रा की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर अनिद्रा को स्टार्टिंग में ही सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, तो ये लंबे समय तक हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। कई कारण है जिसकी वजह से हमें समय पर नींद नहीं आती है, पर इसका सॉल्यूशन भी काफ़ी आसान है। जैसे शाम के समय अल्कोहल ड्रिंक करने या कैफीन युक्त कोई पेय पदार्थ लेने से रात को समय पर नींद नहीं आती है। इसके अलावा सोने से कुछ घंटों पहले एक्सरसाइज या कोई डीप मेंटल एक्टिविटी से भी हमारी नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है। 7 घंटे से कम नींद लेना हार्ट अटैक की संभावनाओं को 100% और ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाओं को 200% बढ़ा देता है। सोने से पहले अल्कोहल या कैफीन को ना लें। अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो सोने से पहले सिगरेट को भी अवॉइड करें। अगर आप 20% ऐसे एम्प्लॉय में से हैं जो नाइट शिफ्ट जॉब करते हो, तो ये आपके स्लीप हैबिट को काफ़ी इफेक्ट करता है, क्योंकि शिफ्ट जॉब करने वाले दिन में सोने की कोशिश करते हैं, जब आपके आसपास हजारों गतिविधियां चल रही होती हैं। आप अपने रूटीन को चेंज करें, क्योंकि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में 1/3 सोने में बिताता है, जो मेंटली फिट रहने के लिए ज़रूरी भी है, तो सोने का काम अच्छी तरह से करें। इन्वायरमेंट फैक्टर भी काफ़ी हद तक हमारे स्लीप हैबिट को इफेक्ट करता है। अगर रूम ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा ठंडा हो, या फिर काफ़ी शोरगुल हो या तेज़ लाइट हो, तो नींद समय पर नहीं आती है। घर में बच्चों की उपस्थिति या फिर स्लीप पार्टनर के सोने की आदत, जैसे खर्राटा मारना एटसेट्रा, भी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। आप अपने बेडरूम को सोने लायक फ्रेंडली बनाएं, रूम में हल्का अंधेरा और टेम्परेचर 65 डिग्री रखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंसान अपनी पूरी लाइफ का 1/3 सोने में बिताता है, तो क्यों इस समय को हम पॉल्यूटेड एयर में बिताएं? कई जानकार बताते हैं कि पुअर इंडोर एयर क्वालिटी भी स्लीप डिसऑर्डर को इनक्रीज करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से 70 गुना प्रदूषित होता है, और नासा के रिसर्चर ये बताते हैं कि इंडोर प्लांट और एयर प्यूरिफायर इसका एक अच्छा समाधान है। ये हमारे हेल्थ में आश्चर्यजनक सुधार करता है। कई लोगों का कहना है कि वे रात में 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। इसका एक आसान सॉल्यूशन हो सकता है झपकी मारना। जी हाँ, जिस तरह मीठा खाने से इंस्टेंट हमारे बॉडी को कैलोरीज मिल जाता है, उसी तरह अगर आप दिन में टाइम निकालकर कुछ समय की झपकी मारते हैं, तो ये इंस्टेंट आपके एनर्जी को बूस्ट करता है। इस फुटेज से आप इसे आसानी से समझ सकते हो। 10 से 20 मिनट की झपकी आपको तुरंत अलर्टनेस और एनर्जी देता है। उसी तरह 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट की झपकी आपको इंस्टेंट एनर्जी के साथ साथ रात के नींद की कमी को भी पूरा करता है। फ्रेंड्स, जब हम हेल्दी रहने की बात करते हैं, तो फूड और एक्सरसाइज को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इसके तीसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्लीप को हमेशा अवॉइड करते हैं। गुड नाइट स्लीप भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब माइंड रेस्ट करता है, तो बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होता है, और एनर्जी लेवल भी काफ़ी कंट्रोल में रहता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।